नमस्कार दोस्तों, ऋतु किचन में आपका स्वागत है। आज हम सरसों का साग बनाएंगे इस तरीके से। ये 1 किलो सरसों है, मतलब सरसों पालक मेथी बथुआ मिक्स करके छांट के साफ़ करके हमने काट के धो के इसे साफ कर लिया है। इसे हम कुकर में चढ़ाएंगे। सारा साग हमने इसमें डाल दिया है। पकने के बाद ये कम हो जाएगा। ये अदरक और लहसुन है जिसे हमने बारीक काट लिया है। ये हरी मिर्चें डालेंगे, 5-6 हरी मिर्चें काट ली हैं हमने। आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा गिलास पानी डालेंगे और 1 सीटी लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। कुकर को गैस पर रख दिया है, 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी लग चुकी है, साग को चेक कर लेते हैं। इसमें 2 चम्मच मक्के का आटा डालेंगे। और घोटनी से इसे घोटेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से घोटनी से घोटेंगे। गैस को हमने धीमा कर रखा है। पंजाब में इसी तरीके से बनाया जाता है घोट घोट के। इसे हम मिक्सी में ही चलाएंगे। तरीके से अच्छी तरह घोटेंगे। घोटने से इसका स्वाद आएगा इसमें। पहले 1 सीटी लगा ली थी हमने इसको। ये जितना घोटेंगे इतना स्वाद बनेगा। साग को अच्छी तरह घोट लिया हमने, अब तड़के की तैयारी करेंगे। इधर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें देसी घी डालेंगे 2 चम्मच। देंगे
घी हमारा गर्म हो चुका है, प्याज डालेंगे इसमें। एक प्याज काटा था हमने, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च पहले भी डाली थी हमने, हरी मिर्च दो तीन अभी डाली है। प्याज लहसुन अदरक को भूनेंगे अच्छी तरह, लाइट ब्राउन करेंगे इसे। दो लाल मिर्चें डालेंगे, और इसे भूनेंगे अच्छी तरह। साग की तासीर ठंडी होती है, इसलिए लहसुन प्याज अदरक ज्यादा डाला जाता है। एक इंच हींग डालेंगे इसमें, हींग को मिलाएंगे अच्छी तरह। प्याज भी हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, गैस को धीमा करेंगे। इसमें हम सरसों का साग डालेंगे, मिलाएंगे अच्छी तरह। इसमें आधा चम्मच नमक हमने पहले डाला था, अब ध्यान से डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार ही डालेंगे और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे हम इसमें। नमक डाला है हमने आधा चम्मच से भी कम। इस तरीके से चलाते रहेंगे, साग को धीमी आंच में पकाएंगे जिससे ये भुज जाए अच्छी तरह। देखिए इस तरीके से घोटेंगे इसको, दस मिनट और पकाएंगे। देखिए साग हमारा बनके तैयार है। ये 1 किलो साग था जो घोट घोट के इतना हो गया है। अब गैस को बंद करेंगे, साग को निकालेंगे। देसी घी डालेंगे इसमें, देखिए साग हमारा बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। थैंक यू।